नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो यानी पैसे कमाने का अड्डा। क्यों ऐसा ही लगता है क्या दोस्तों? मुझे पता है क्रिप्टो को लेके आजकल बहुत हाइप है। क्रिप्टो के दुनिया में बहुत से लोगों ने पैसे भी बनाए हैं, कुछ लोग करोड़पति से अरबपति भी बने हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितने लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट से यहां पर पैसे कमाए हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने पैसे गंवाए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। सीधी सी बात है, क्रिप्टो एक मार्केट है जहां किसी एक की जेब से पैसा निकलता है और दूसरी की जेब में जाता है। अब किसी की जेब में ज्यादा जा रहा है तो सीधी सी बात है कई लोगों की जेब से निकल रहा होगा। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपने काफी सारे पैसों को क्रिप्टो पर इन्वेस्ट किया और फिर उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। देखिए दोस्तों, अक्सर जानकारी के अभाव और स्कैम्स में फंसने के कारण ये सारी चीजें होती हैं। अक्सर नए इन्वेस्टर और लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं होती है, वो बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और स्मार्ट स्कैमर्स उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उनके पैसों को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ इसी तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए हम इस चैनल में समय समय पर स्कैम्स कॉइन के बारे में जानकारी आपको आसान तरीके से समझाते हैं, और वो भी एकदम सरल भाषा में, ताकि आपको टेक्निकल चीजों को समझने में कोई मुश्किल ना आए और एकदम मक्खन की तरह आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जी हाँ, तो दोस्तों इसी कड़ी में आज हम एक और टोकन का रिव्यू करने वाले हैं। इस टोकन का नाम है EIFI टोकन। दोस्तों, पिछले काफी समय से बहुत लोग कमेंट बॉक्स में इस टोकन के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। इस टोकन को लॉन्च हुए लगभग एक साल हो रहा है, लेकिन इसके बारे में अचानक से बहुत लोगों के प्रश्न आने पर हमने आपकी बात को सुनते हुए फौरन अपनी टीम को लगा दिया कि भैया रिसर्च करो और बताओ क्या चीज है ये, कौन सी बला है। और रिसर्च करके आपके सामने हम लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें हम इस टोकन का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आपने EIFI टोकन पर इन्वेस्ट ना किया हो या आप इस टोकन पर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिव्यू को देखने के बाद आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। यस, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द फाइनेंशियल एडवाइजर, और हमारा गोल है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। और क्या, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों, आज से ठीक एक साल पहले EIFI टोकन ने क्रिप्टो वर्ल्ड में धमाका कर दिया था। यस, सीधा धमाका। और इसका प्राइस एक पैसे से भी कम प्राइस से स्टार्ट होकर 3 दिन में 30,000 रुपए के भी ऊपर चला गया था। अब जरा सोचिए, इस टोकन ने 3 दिन में इतना रिटर्न दिया है जितना बिटकॉइन को देने में सालों लग गए। अचानक इतना प्राइस ऊपर जाने के बाद क्रिप्टो वर्ल्ड में धमाका हो गया और चारों तरफ इस कॉइन की चर्चा होने लगी और सारे लोग इसको खरीदने की सोचने लगे। लेकिन दोस्तों, इस कॉइन के अचानक से इतना प्राइस बढ़ने का कारण इसकी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि इसके पीछे का छुपा हुआ एक बहुत बड़ा कारण है, और उस कारण का नाम है प्राइस मैनिपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, और ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं। दोस्तों, EIFI टोकन एक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है और इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल हुआ है। जब आप इस टोकन के बारे में रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि ये टोकन में कोई भी कमी नहीं है। इसकी टोटल सप्लाई भी करीबन 15 करोड़ है, और वेबसाइट की जांच करने पर भी इस टोकन में कोई कमी नजर नहीं आती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ ठीक है, कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है और टोकन का प्राइस इतना बढ़ रहा है, तो भैया पैसे इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? अब ज्यादा प्रॉफिट के लिए थोड़ा रिस्क तो लिया जा सकता है ना? यही चल रहा होगा आपके दिमाग में। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका सोचना बिल्कुल गलत है। दरअसल इस टोकन के इतने प्राइस बढ़ने का कारण इस टोकन का अच्छा होना नहीं है, बल्कि इस टोकन के पीछे जुड़े लोगों का प्राइस मैनिपुलेशन करना है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। दोस्तों, कुछ फाउंडर्स अपने टोकन को कुछ इस तरह से लॉन्च करते हैं कि स्टार्टिंग में ज्यादातर टोकन उनके पास ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी टोकन के टोटल 1,00,000 टोकन मार्केट में है, और उनमें से 99,950 टोकन केवल फाउंडर्स के पास ही हैं। अब बचते हैं केवल 50 टोकन, यानी कि ये कॉइन जिस भी एक्सचेंज में होता है उसमें ट्रेड करने के लिए बहुत कम टोकन ही अवेलेबल हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब इतने कम टोकन मार्केट में है, तो अगर कुछ हजार लोग भी इस टोकन को खरीदना चाहेंगे तो उन्हें आसानी से ये नहीं मिलने वाला है, और इसी चक्कर में क्या होगा कि टोकन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा। कुछ ऐसा ही EIFI टोकन के केस में हुआ। इस टोकन के 99% टोकन्स फाउंडर के पास थे, और महज कुछ टोकन्स ही पब्लिक के लिए, यानी कि पब्लिक को ट्रेड करने के लिए अवेलेबल करवाए गए।
इस वजह से बहुत तेजी से इस टोकन का प्राइस 1 पैसे से सीधा 30,000 रुपए पहुंच गया। और जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं और आम यूजर्स इस टोकन को खरीदने एक्सचेंज पर आता है, तो फाउंडर्स अपने होल्ड किए हुए टोकन को सेल कर देता है, जो कि उनके पास 1 पैसे से भी कम वैल्यू के थे और उनको करंट मार्केट रेट के हिसाब से कई हजार गुना रेट मिल जाता है। और फाउंडर्स धीरे धीरे अपने सारे टोकन्स को मार्केट में बेचते जाते हैं। और सप्लाई ज्यादा होने के कारण टोकन का प्राइस बहुत नीचे आ जाता है। इस तरह फाउंडर्स तो करोड़ों रुपए कमाकर रफू चक्कर हो जाते हैं और आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स इस उम्मीद में कि शायद फ्यूचर में फिर कभी इसका प्राइस एक बार फिर से ऊपर आएगा, अपने कॉइन को होल्ड करके बस भगवान से प्रार्थना करते बैठे रहते हैं कि हे भगवान, अब तो बढ़ा दे कुछ। लेकिन दोस्तों, कहीं कुछ नहीं होता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि फिर ऐसा कभी नहीं होता कि इस कॉइन का प्राइस दोबारा ऊपर जाए, चाहे आप कितनी भगवान से प्रार्थना कर लें। लेकिन हाँ दोस्तों, आप यहाँ भी देखिए, स्क्रीन में दिख रहे पिक्चर के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह लॉन्च होने के बाद टोकन का प्राइस आसमान छूने लगा। और फिर जब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित हुए तो फाउंडर्स ने अपने कॉइन को ऊंचे दाम पे बेच दिया और फिर इस कॉइन का दाम भी फिर से कभी नहीं उठा। बस इसी को कहा जाता है प्राइस मैनिपुलेशन के जरिए स्कैम करना। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया होगा। और फ्यूचर में यदि अचानक किसी टोकन का प्राइस कई हजार गुना बढ़ जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके बारे में पता करना है कि कहीं ये प्राइस मैनिपुलेशन का खेल तो नहीं है। और बिल्कुल भी लालच में ना पड़कर पूरी समझदारी के साथ डिसीजन लेने से ही आपको फायदा होगा। और दोस्तों, हम तो कहते ही हैं यहाँ पर कि हम आपकी मदद के लिए तो हैं। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसें तो सीधा आइए हमारे चैनल में और कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम आपको डेडिकेटली उस पे वीडियो बना के देंगे ताकि आपकी सारी परेशानियां चुटकियों में सॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।